Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. And today's MCQ for biology is, this is not an endocrine gland. आपको जो इनमें से endocrine gland नहीं है वो identify करना है. जो हमारी body में glands होती हैं वो mainly तीन तरह की होती हैं. One is exocrine glands. Second one is endocrine glands and third one is heterocrine or इनको mixed glands भी कहते हैं. heterocrine glands को mixed glands भी कहते हैं. exocrine gland वो होती हैं जिनके पास pipe like structure होता है जिसे हम duct कहते हैं, जिसके through अपनी secretion वो gland से target organ तक पहुंच जाते हैं. एंडोक्राइन वो होती है जिनके पास डक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. और हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनके पास डक्ट भी होती है और वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करती है. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी जो सिक्रीशन होती है उसे डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाते हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं अपने हार्मोन की सिक्रीशन किसके थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जो है वो पहुंचाती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थ्रू ब्लड, यानी कि वो ब्लड वेसल में पोर करती हैं अपनी सिक्रीशन को. राइट, चलिए बात करते हैं अब ऑप्शन की. इसमें से कौन सी नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड? एड्रीनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये आपके आई से रिलेटेड है. राइट स्टूडेंट्स, एड्रीनल ग्लैंड की बात करें अगर तो ये ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है और इसका ह्यूमन बॉडी में 2 नंबर रहता है. हर दोनों किडनी पे, हर एक पे एक एक एड्रीनल ग्लैंड होगी और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दो हार्मोन जिन्हें हम एड्रेनालिन हार्मोन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन, जिनका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स. नेक्स्ट अगर बात करूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इसको. फॉर एग्जांपल आपका ग्रोथ हार्मोन है, वन इज ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसके साथ आपके और हार्मोन, जैसे कि एक हार्मोन आपने सुन रखा होगा वैसोप्रेसिन एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये भी पिट्यूटरी में पढ़ते हैं. बट स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि इन दोनों की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ इनको रिलीज करती है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, समझ में आई बात? आपको एनसीईआरटी में पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्शन में ये दोनों हार्मोन जो है वो मिल जाएंगे, बट कन्फ्यूज मत कीजिएगा. ये जो है बनते कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में, लेकिन वहाँ से इनका रिलीज है होने में, उनको रिलीज करने में कौन हेल्प कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करती है. राइट, और थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड आपके गले के पास प्रेजेंट होती है. इससे जो है कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर. बाय बाय.